नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर। आपको पता है कि शुभंकर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी हाल ही में जो NTPC ग्रुप डी, SSC या फिर किसी भी स्टेट PCS के लिए आप प्रिपरेशन करें, किसी भी स्टेट से आप किसी भी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आपके लिए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही बहुत से वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा रखे हैं। जितने भी किसी स्टेट से रिलेटेड या फिर कोई भी फैक्ट है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके शेयर करना मत भूलिएगा। बताना जरूर जरूरी होगा कि अगर आप बताएंगे तभी मैं आपके लिए और भी कुछ बेस्ट कर पाऊंगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रिलेटेड बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ करके चलना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो चलिए, एक प्यारे से स्माइल के साथ, एक प्यारे से मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते मुस्कुराते सर के साथ। चलिए आगे, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना लाड लो, तो ध्यान दीजिएगा आपको करंट अफेयर की जरूरत होगी तो 2019 से 21 तक आपको करंट अफेयर अवेलेबल होगा। अगर आप रक्षाबंधन से पहले ये PDF परचेज कर ले तो आपको अगस्त तक का अपडेटेड GK यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए आपके लिए डेफिनेटली ठीक है, ये बहुत अच्छा चांस है, तो इसका फायदा उठा लीजिएगा। ऐप के ऊपर यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के साथ राजस्थान करंट अफेयर के भी, अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे SI हो चाहे पटवारी हो किसी भी लेवल की, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जाकर के भी वहाँ चेक कर लीजिए, इसकी डेमो PDF भी वहाँ पे जाके जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ ऐप के ऊपर आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता है, और ये जो क्लासेज होती है इनकी PDF है वो भी आपको, अगर आप कोर्स परचेज कर ले तो उस कोर्स में करंट अफेयर के साथ डेली अपडेट होती है। ठीक है, तो चलते आगे। इसी के साथ में अगर आप रीजनिंग, अगर अभी तक आपके कोई भी चीज़ है जो बारीकी से क्लियर नहीं हुआ है, तो बेसिक तरीके से मैंने एक एक चीज़ अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाया है, ये यहाँ पे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और राखी के बाद बुधवार से इसकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्दी से जाकर कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर आप जनरल साइंस के लिए किसी भी रेलवे ग्रुप डी की या फिर NTPC के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, बारीकी से एक चीज़ को आपको एक गूगल इमेज के साथ समझाया गया, तो ये PDF भी हैंड रिटन नोट्स, इसको भी जाकर के परचेज कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। बात करता हूँ कि आज के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे नहीं कि पूरे के पूरे भर लिए, नहीं, इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए। तो चलिए प्यारी सी स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं। गाइज, प्रमुख खेलों की शुभंकर में बात करता हूँ, पहले नंबर पर मैं किसका नंबर लेता हूँ वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, खेल का नाम क्या है, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप है 2018, उसका जो शुभंकर था वो क्या था, जाबीवा का। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। आपको ज्यादा कई लोग इतना डिपेंड में नहीं जाना कि क्या होता है कैसा होता है, बस आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट टाइम में आपको इतने बता रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का शुभंकर क्या है, जाबीवा का। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं खेल, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018, किसमें राष्ट्रमंडल खेल 2018 के जो शुभंकर है उनका शुभंकर क्या है, बोरोबी। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का जो शुभंकर है उसका नाम क्या है, बोरोबी। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना, आपसे ये नहीं पूछे कौन सी फोटो है, क्या है क्या नहीं है, आपको डेप्थ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। खेल की बात करता हूँ, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर जो आयोजित किया जाएगा उसका शुभंकर क्या है, जो अपकमिंग है ना उनके शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट, और जो हाल ही में हुए जैसे 2021 में उनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो निस्तार उर्द है ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर घोषित किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। इनको एक एक बार ये देखने के बाद, इस PDF को भी अगर आप पढ़ लेंगे उसके बाद वापस ही क्लास को देखेंगे, तो प्यारी सी स्माइल आपके होंठों पे होगी और अंदर से एक सहानुभूति सी मिलेगी, खुद से सहानुभूति होती है ना यार मैंने कुछ तो पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। खेल की बात करता हूँ, 18वां एशियाई खेल है जो कि 2018 में आयोजित किया गया था, उसके शुभंकर क्या था, बिनबिन। ठीक है, आतुंग और काका। क्लियर है, दोनों अलग अलग थे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आतुंग और काका नोट कीजिएगा। इसी के साथ में मैं बात करता हूँ प्रमुख खेलों के शुभंकर में, खेल है 19वां एशियाई खेल जो कब आयोजित किया जाएगा, 2022 में। इसी के साथ एक और चीज क्लियर होती है कि आपका 18वां एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था, 2018 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन से खेल कहाँ आयोजित किए गए उनको लेकर के अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा उसकी पूरी डिटेल से, लेकिन यहाँ से मैं शुभंकर की बात करता हूँ 2028 में, तो यहाँ पे अब 2022 में आयोजित किया जाएगा। शुभंकर क्या, द स्मार्ट ट्रिपल। ठीक है, तीन रोबोट, ध्यान दीजिएगा, द स्मार्ट ट्रिपल यानी कि तीन रोबोट का शुभंकर है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो 19वां एशियाई खेल है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आ गया तो प्यारी सी स्माइल आएगी, और उमेश ने बताया तो था। ठीक है, तो ऐसे ही एक प्यारी सी स्माइल अगर अंदर से एक दुआ से निकलते हैं ना तो यार बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपका काम है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो है टाइटल क्या है, यानी कि शुभंकर क्या है, जय और विजय। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो शुभंकर है वो क्या है, जय और विजय। ठीक है,
चले ध्यान दीजिएगा, युवा ओलंपिक खेल 2020 का शुभंकर क्या है? योडली। क्लियर है, नोट कीजिएगा यहाँ पे, युवा ओलंपिक खेल 2020 का शुभंकर क्या है? योडली। ठीक है, गलती ना करें, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो अभी हाल ही में कंप्लीट हुए 2021 ओलंपिक को लेकर के अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है, जो गोल्ड मेडल हासिल किया है किसमें? जेवलिन थ्रो के अंदर। क्लियर है, शुभंकर की बात करता हूँ तो मीराई तोवा। क्लियर है, मीराई तोवा नीरज चोपड़ा के ऊपर स्पेशली उनकी पूरी डिटेल, ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही का सबसे ज्यादा लेटेस्ट मुद्दा बना हुआ है, उस पर अलग से मैंने पूरा वीडियो बना रखा है पूरी डिटेल के साथ, तो जाकर के चेक कर लीजिएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो एक प्यारी स्माइल के साथ चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ राष्ट्रीय खेल 2020 के, राष्ट्रीय खेल 2020 के शुभंकर क्या? बुलबुल। ठीक है, रूबी गुला ये पक्षी है, तो ये बुलबुल रूबीगुला पक्षी है, ये राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर है। ध्यान देना, ये जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट बात करता हूँ शीतकालीन ओलंपिक 2022 के अंदर आयोजित होने वाला है, ठीक है, इसका जो है शुभंकर गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जरूर पूछा जा सकता है आपको किसी भी एग्जाम के अंदर। शुभंकर क्या होगा? विंग डवेन डवेन, ठीक है, विंग डवेन डवेन है वो इसका शुभंकर होगा। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या होगा? विंग डवेन डवेन। क्लियर है, तो मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़िए। एशियन पैरा खेल, ध्यान दीजिएगा, एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर क्या गाइस? फेई फेई। क्लियर है, ध्यान रखना, एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर क्या है? फेई फेई। इन चीजों को रट लो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्या है? फेई फेई, ध्यान देना। क्लियर है कि क्या, जो भी और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो अलग से वीडियो के अंदर मिलेगा, तो एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दे जिसमें आपको सारे के सारे फैक्ट क्लियर हो जाए। वीडियो शॉर्ट में अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ, अगर आपको जनरल साइंस की पीडीएफ चाहिए, इंडियन हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी हाथ से लिखी गई है, तर्क शक्ति जो हाथ से लिखी गई है, करंट अफेयर है जो कंप्यूटर से बनाए गए लेकिन मैटर तैयार हाथ से किया गया, तो ये सारी की सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो एक मुस्कुराहट के साथ बने रही हो ना, यहाँ पे कोई भी आपकी क्वेरी होती है इनसे रिलेटेड तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, लेकिन रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिले तो माइंड मत कीजिए, मैंने तो रिप्लाई भी नहीं किया, मैं तो दोबारा मैसेज ही नहीं करूँ सर को, तो ये मत कीजिएगा, बस साथ बनाए रखिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिए, आप सर के साथ ऐसे बने रहिए, और मेरे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे बने रहिए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ने में मेरी हेल्प जरूर कीजिए, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं मुहिम चला रहा हूँ मैन ऑन मिशन, ये सभी लोगों तक पहुँच सके। तो उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे, और प्यारी स्माइल के साथ के लिए इजाजत दीजिए। जय भारत।